It's yours DIY. हेलो दोस्तों, तो एक बेहतरीन सोल्डरिंग आयरन बनाने के बाद आज हम सीखेंगे कि पुराने सर्किट से कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पुराना CFL। तो CFL के इस पोर्शन पे ऐसे हिट करने के बाद हम इसे खोल के ऐसे सर्किट बोर्ड निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट बोर्ड से आप डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है रोजिन, इसे हम सोल्डरिंग के वक्त यूज़ करते हैं और ये सोल्डरिंग वैक से बहुत ही सस्ता मिलता है। और ये है एक सोल्डर क्लीनर। फ्रेंड्स, पहले हम सोल्डरिंग आयरन हीट होने के बाद उस पर रोजिन लगा के ऐसे सर्किट बोर्ड पे जिस कंपोनेंट को निकालना है उस कंपोनेंट पे लगा देंगे। 3-4 सेकंड लगाने के बाद हम थोड़ा इसे पुश कर देंगे और हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अच्छे से निकल जाएगा। यह डायोड जो कि हमारे DIY प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और फ्रेंड्स, हम एक और डायोड निकाल रहे हैं। इस सर्किट बोर्ड से आपको कई सारे डायोड्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अब हम निकाल रहे हैं एक कैपेसिटर और उसी प्रोसेस से हम कैपेसिटर को भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करने के बाद इसे साफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी इसे साफ करे बिना छोड़ मत दीजिएगा। आप लोगों को शायद डाउट हो रहा होगा कि हमने तो सोल्डरिंग आयरन बना लिया था, तो फिर हम इस वाले सोल्डरिंग आयरन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम इस वाले सोल्डरिंग आयरन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने जो सोल्डरिंग आयरन बनाया था उस सोल्डरिंग आयरन से हम सर्किट से चीज़ें नहीं निकाल सकते। हम जब इस गियर मोटर को बैटरी पे लगाते हैं तो ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट करंट मोटर पे आ जाता है। इसलिए हम इस पे डायोड लगाएंगे और डायोड लगाने के बाद हमारा जनरेटर बैटरी को चार्ज भी कर पाएगा। तो आप कनेक्शंस अच्छे से देख लीजिएगा। डायोड को कनेक्ट करने के बाद अब हम इस गियर मोटर से हमारा 3.7 वोल्ट का बैटरी भी चार्ज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा जनरेटर अच्छे से काम कर रहा है। इसको दिखाने के लिए मैंने इस सर्किट पे एक LED भी कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, जब मैं इस गियर मोटर का व्हील घुमाता हूँ तब LED जल जाता है और ये इंडिकेट करता है कि बैटरी भी चार्ज हो रहा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट्स में यूज़ होने वाले कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे बहुत ही कम दाम पे परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कट है इसी पे समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।